भारत ने इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज 3-1 से जीती और T20 सीरीज 3-2 से जीत ली। अब दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाने वाली है और इसके लिए टीम इंडिया पुणे पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि मेजबान भारत का इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में शानदार रिकॉर्ड है। भारत ने 100 में से 53 वनडे जीते हैं। घरेलू मैदान पर भारत ने 48 में से 31 मैच जीते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे शानदार पारी खेलने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, रोहित शर्मा। इंग्लैंड के खिलाफ 2018 में नोटिंघम में पहले वनडे में ओपनर रोहित शर्मा ने 269 रनों का पीछा करते हुए 40.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था। रोहित ने 114 गेंदों पर नाबाद 137 रनों की पारी खेली थी। इसमें 15 चौके और 4 शानदार छक्के भी शामिल थे। शिखर धवन ने 27 गेंदों में 43 रन बनाए थे। पहले विकेट की भागीदारी टूटने के बाद रोहित ने कप्तान कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी की थी। नंबर 2, युवराज सिंह। जनवरी 2017 में 35 साल की उम्र में युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ कटक में दूसरे वनडे में 127 गेंदों पर नाबाद 150 रन की पारी खेली थी। युवराज ने इस पारी में 21 चौके और 3 छक्के लगाए थे। इंग्लैंड ने कड़ा मुकाबला किया लेकिन अंततः वो 15 रन से ये मैच हार गई। और नंबर 3, सचिन तेंदुलकर। 2011 वर्ल्ड कप में अपना छठा और आखिरी वर्ल्ड कप खेलते हुए सचिन ने बेंगलुरु में 115 गेंदों पर 120 रन की पारी खेली थी। इसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल थे। गौतम गंभीर ने 51 रन और युवराज सिंह ने 58 रन की पारी खेली थी। एक समय लग रहा था कि भारत का स्कोर 350 तक पहुंच जाएगा लेकिन टीम 338 पर आउट हो गई और ये मैच टाई रहा था। तो ये थे वो 3 भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार पारी खेली है। तो आपको कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा अच्छा लगा, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।